Hello, good morning student. Today we are going to learn our new point of this lesson, that is a human eye. Very interesting point of this lesson, human eye. Actually, we have start our point. So we observe here and we will discuss about the eye. And for its in your book, there is a one suggestion is to study the model depicting in the construction of the human eye with the help of the teacher. चलिए अभी teacher की मदद लेकर हम यहाँ पे human eyeball को क्या करना है बेटा learn करना है model को लेकर. Actually देखिए बेटा यहाँ पे with the help of teacher ऐसा क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पे जो models होते हैं वो that's very delicate होते हैं, है ना बेटा. It's made by the plaster of Paris से बने वाले होते हैं. Yes, and it's very delicate. Suppose it's fall down, that is totally break there. And for this getting the precautions, yes, you have suggest there, we will do this activity. Yes, we will do this study with the help of the teacher. इसीलिए ऐसे यहाँ पे टीचर की मदद लेकर ये स्टडी करने के लिए कहा है, क्योंकि ये जो आईबॉल के मॉडल्स होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने जाते हैं, है ना, और वो बहुत ही डिलिकेट होते हैं, है ना, और जैसे नीचे गिर जाए तो वो पूरे क्या हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, है ना बेटा, डैमेज हो सकते हैं. बस और इसीलिए उसको डैमेज होने के लिए जिस खबरदारी के कारण यहाँ पे हमें क्या करने बेटा, टीचर की मदद लेकर इस आईबॉल की हमें यहाँ पे स्टडी करनी है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपना ये ह्यूमन आई, यस आई हैव शोन अ पिक्चर ऑन अ स्क्रीन, दैट इज अ ह्यूमन आई, यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो एक्चुअली ह्यूमन आई इट्स अ सेंस ऑर्गन, है ना, उसका एक पर्पज है, उसका एक स्पेशली फंक्शन होता है, दैट इज अ विजन, है ना. तो ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन, ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन एंड दैट रिएक्ट, वो क्या करता है बेटा, दैट रिएक्ट विथ लाइट, टू लाइट, लाइट को रिस्पॉन्स करता है. यस ओके, तो यहाँ पे लाइट को रिस्पॉन्स करते हुए विजन को कॉल आउट करता है, यानी कि विजन हमें यहाँ पे ज्ञात होती है ना बेटा, विजन दृष्टि यहाँ पे हमें पता चलती है केवल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना. तो लाइट दैट इज वन हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस ओके, एंड आवर आई इज अ गिव रिस्पॉन्स टू लाइट, इट गिव रिस्पॉन्स टू लाइट, दिस ओके, एंड इट्स अलाउ द विजन, इट्स अलाउ द विजन हियर. चलिए बेटा नेक्स्ट, तो देर इज अ टू आईज, अपने आईज कितने होते हैं यहाँ पे, दो होते हैं, है ना बेटा, सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द फेस, अपना चेहरा है तो चेहरे के ये दोनों बाजू में, जैसे कि लेफ्ट और राइट, ये दोनों साइड में यहाँ पे आई क्या होते हैं, ऐसे सिचुएट होते हैं, है ना बेटा. एक्चुअली दे सिट इन टू द बोनी कैविटी, अभी ये जो बोनी कैविटी होती है, देखिए हम थोड़ा सा अपने आई के ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो यहाँ पे हमें बोनी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यस दैट इज अ कैविटी, है ना, बोनी कैविटी होती है. अभी उसी बोनी कैविटी में, उसी ऑर्बिट में यहाँ पे क्या होता है बेटा, आईबॉल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यस ओके, एंड दिस बोनी कैविटी, दिस ऑर्बिट्स, यस दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्कल, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्कल, है ना बेटा. तो इसीलिए यहाँ पे क्या पॉइंट बताया है, जैसे कि दे सिट इन टू कैविटी, टू कैविटी, यस ओके, कॉल्ड एज अ ऑर्बिट, है ना, एंड विच आर द प्रेजेंट इन द स्कल, वो स्कल में प्रेजेंट होते हैं. एक्चुअली सिक्स एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स अटैच डायरेक्टली टू द आई टू असिस्ट विद मूवमेंट्स, अपनी आई की जो मूवमेंट्स होती है, जैसे हम देखिए अपनी आई दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हैं, और ये जो मूवमेंट्स होती है, इसी मूवमेंट्स को इस एक्टिवेट करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे कितने बेटा, यहाँ पे सिक्स एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स यहाँ पे ये इसके अटैचमेंट डायरेक्टली आईबॉल को होती है,
ठीक है बेटा, और ये पूरी तरह से आई को असिस्ट करती है मूवमेंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फ्रंट विजिबल पार्ट ऑफ द आई इज मेड अप ऑफ द दैट इज वन हैव व्हाइट स्क्लेरा, है ना। देखिए आई बॉल के जो सामने वाला हिस्सा है दैट इज अ फ्रंट, देखिए यहाँ पे व्हाइटिश कलर का एक पार्ट दिखाई देता है ना, दैट इज वन हैव स्क्लेरा, उसे क्या बोला जाता है, स्क्लेरा। यस, एंड कलर्ड आयरिश, और बीच में यहाँ पे कलर्ड होता है, डार्क होता है, तो दैट्स कलर्ड आयरिश, उसे आयरिश बोला जाता है, ठीक है। एंड पिपल, उसमें थोड़ी सी एक हमें स्लिट दिखाई देती है ना, स्लिट, दैट इज वन हैव फिल हियर। सो नेक्स्ट, अभी देखिए बेटा यहाँ पे हमने इसे एरो मार्क्स में उसके नेम्स यहाँ पे हमें क्या करने हैं, इंडिकेट करने हैं। चलिए एक्चुअली यहाँ पे इसको क्या बोला है, दैट इज अ व्हाइटिश पार्ट ऑफ द आई दैट इज स्क्लेरा, स्क्लेरा। एक्चुअली देखिए बेटा दूसरा वाला जो मिडिल में देखिए, देखिए थिक ऐसे मसल्स लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो कौन होता है यहाँ पे, दैट इज वन है वो पीपल, जैसे स्लिट जैसे मसल्स। अभी यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे थिक मसल होती है आयरिश, थिक मसल आयरिश होती है, आयरिश होती है, और द स्लीव जैसा पार्ट होता है दैट इज अ पीपल, हम उसके बाहुली बोलते हैं, है ना बेटा। अभी यहाँ पे वो कॉर्नर्स होते हैं बाजू में, जो ब्लैक ऐसे छोटी से ऐसे यहाँ पे कड़ा दिखाई देते हैं, उसे हम कॉर्नर बोलते हैं। अभी जो ये जो आईलिड्स होती है ना, जैसे कि आई को हमने जैसे प्रोटेक्शन के लिए हम क्लोज ओपन करते हैं, तो जो क्लोज ओपन होता है यस इट इज अ कॉज ऑफ दैट इज अ आईलिड, यस ओके, मींस द आईलिड इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जस्ट टू प्रोटेक्ट इन द आई बॉल हियर। चलिए बेटा, तो ये हमने यहाँ पे क्या देखे है, ये पूरे यहाँ पे आई बॉल को लेकर, ह्यूमन आई को लेकर, यस दिस इज वन हैव सम इंफॉर्मेटिव अकाउंट्स ऑफ द आई बॉल, अगेन सच इंफॉर्मेशन वो गोस कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में इसको इंफॉर्मेशन को क्या देते हैं, कंटिन्यू। In this slide, we have continued our next information. Actually, our eye, yes, it is made up by the two separate parts of the sphere. Yes, separate part of the sphere. देखिए बेटा, क्योंकि lens हम जब पढ़ते हैं तो lens में भी हमें यहाँ पे वैसे ही बताया था. Actually, lens are made up by the two surfaces. Yes, and actually, eye is also one type of optical device. It is also one type of optical device and it is made up by the two separate surface. So eye is not a, that is a shaped like the perfect sphere. A pura ek sphere jaisa perfect sphere nahi hai, a pura goal nahi hai jaise ki ball ki tarah, but it is one have a, that is one have a combined spheres, just okay, both surface well have in combined forms here, ठीक है। रादर इट एज अ फ्यूज टू द पीस, ऐसे दो पीसेस यहाँ पे फ्यूज होते हुए दिखाई देते हैं, टू पीसेस ऑफ यूनिट से यहाँ पे आई बॉल हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देता है, उसका कंपोजिशन यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है। देखिए बेटा, उसका एक एंटीरियर होता है, इसको हम फ्रंट बोलते हैं, जैसे जैसे देखिए बेटा अभी तुम मुझे देखते हो तो मेरी आई बॉल को जो देख रहे हो वो जो बाजू है दैट इज वन हैव एंटीरियर, दैट इज वन हैव फ्रंट, फ्रंट साइड ऑफ द आई दैट इज अ फ्रंट सरफेस, एक सरफेस है। चलिए, और दूसरा जो पीछे है ना बेटा, इनसाइड दैट इज अ सिचुएट इनसाइड द कैविटी, तो कैविटी के अंदर जो एक हमें यहाँ पे स्पीयर एक सरफेस मिलता है, तो दैट इज अ सेगमेंट, वो जो है दैट इज अ पोस्टीरियर, तो दो सेगमेंट मिलाकर जैसे मिलकर यहाँ पे कंपोज्ड होता है, एंड दिस टू फ्यूज्ड पीसेस यूनिट, यस दैट इज अ आई बॉल हियर। एक्चुअली ये कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पे ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया है, एक डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे दो बॉल सेपरेट दिखाई देते हैं। देखिए बेटा ये टोटली यहाँ पे हमने ये मॉडल को लेकर, अभी एक्चुअली ये मॉडल मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखिए बेटा जो रेड कलर का दिखाई देता है ना, जो कि वो जैसे कि कैविटी के अंदर प्रेजेंट वाला पार्ट है, और जो ऊपरी वाले हिस्से जैसे कि हम उसको अभी बाहर से, जैसे कि तुम मुझे
देख पा रहे हो, मेरे आईज को देख पाते हो, वो जो दिखाई दे रहा है दैट इज अ समवॉट व्हाइटिश, है ना, जो व्हाइट कलर दिखाई देता है उसमें एक कलर जैसे कि मसल्स का छोटा सा यहाँ पे बॉल दिखाई देता है ना बेटा, स्प्लिट दिखाई देती देती है। तो ये जो पूरे ये जो सरफेस होते हैं ऐसे यहाँ पे दोनों से मिलकर यहाँ पे फ्यूज होकर यहाँ पे आए ऐसे दो सेगमेंट में हमें बनती हुई दिखाई देती है। चलिए बेटा ये दो सेगमेंट देखिए बेटा, जैसे कि मैं यहाँ पे लेजर बीम को लेकर ये देखिए ए वाला जो व्हाइटिश दिखाई देता है एक एक सेगमेंट है देखिए, और ये दूसरा वाला जो अंदर जो वाला जो सेगमेंट है दैट इज बना हुआ पोस्टीरियर, उसे पोस्टीरियर अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे पोस्टीरियर बोला जाएगा, और जो फ्रंट में हमें सामने दिखाई देता है दैट इज बना हुआ फ्रंट दैट इज बना हुआ एंटीरियर। ऐसे दो सेगमेंट हमें यहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सेगमेंट्स दिखाने के लिए यहाँ पे मॉडल यहाँ पे जैसे कि पिक्चर के रूप में यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली देखिए बेटा द एंटीरियर सेगमेंट इज अ मेड अप ऑफ कॉर्निया, आयरिस एंड लेंस। एक्चुअली देखिए बेटा ये कैसे बनता है, एंटीरियर सेगमेंट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मेरी आंखों मुझे मेरी आंखों तुम आंखों को देख पा रहे हो ना, तो जैसे आंखों को तुम देख पाते हो तो जो दिखाई देने वाला जो हिस्सा है वही एंटीरियर सेगमेंट है, वही कौन है एंटीरियर सेगमेंट। अभी जो एंटीरियर सेगमेंट होता है ये किससे बना बनता है, जैसे कि देखिए बेटा आयरिस है ना, देखिए एरो को देखिए, कॉर्निया और इसके बाद लेंस, ये तीनों को मिलाकर जो हिस्सा बनता है फ्रंट वाला एंटीरियर बोलते हैं उसको, वो जो हिस्सा होता है उसी को बोला जाता है एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट है ना बेटा। अभी ध्यान दीजिए बेटा, द कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट, ये पूरे ट्रांसपेरेंट है जैसे लेंस जैसे ही काम करते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे आई इज अ वन इज दैट्स एक्ट एज अ वन ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस जैसा काम करता है, ठीक है बेटा। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट एंड मोर कर्वड, ये पूरा कर्वड होता है एंड इट्स लिंक्ड टू द लार्जर पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट थोड़ा सा लार्जर होता है, उसको यहाँ पे क्या होता है लिंक होता है, उसको कनेक्ट होता है, ठीक है बेटा। अभी एक्चुअली यहाँ पे देखिए कि ये जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है तो पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या आ रहा है, जैसे कि रेटिना है ना, इंटर है ना, जो इंटर जो अंदर वाला हिस्सा होता है जो कैविटी में इनसाइड जो प्रेजेंट है वही हिस्सा जो होता है दैट इज वन ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट, उसे क्या बोला जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट है, ठीक है। देखिए बेटा कंपोज्ड ऑफ दिस फिटिरियस रेटिना कोरोइड्स इज एंड द आउटर व्हाइट सेल कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, जो व्हाइट सेल दिखाई देता है व्हाइट व्हाइट यानी कि जैसे हम पांडरा बोलते हैं उसको, यानी व्हाइट जो पार्ट दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा दैट इज अ व्हाइट सेल इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, उसे स्क्लेरा बोला जाता है, ठीक है। इन दिस स्लाइड वी हैव गो टू हियर डिटेल्स एक्चुअली हाउ द आईबॉल्स यस एंड वी हैव टेक इट्स अ डिटेल इज रिलेटेड टू द ह्यूमन आई, रिलेटेड टू द ह्यूमन आई। एक्चुअली आई हैव शोन ऑन द स्क्रीन वन स्मॉल आईबॉल हियर, यस आई हैव रिप्रेजेंटेड शोइंग their names, just okay, that is one have a cornea, just limbs and sclera, I have shown the names. Actually on the eyeball there is a one thin layer, just okay, that is a membrane is a present, and such a membrane I have separately shown just near to this diagram, just I have separately shown. So this is one have a layer, separate layer, and that layer is a cornea, that is one have a cornea. Actually we have defined here the cornea, so cornea is a thin layer, yes it is a thin membrane, yes membrane jaise parda jaise hota hai na wo usi tarah se hai, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है एंड कवर्ड विथ ह्यूमन आई। अभी जो ह्यूमन आई जो होता है आईबॉल को जैसे वो पूरी तरह से क्या कर लेता है बेटा कवर कर लेता है, इसको क्या एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया, इसको क्या बोला जाता है बेटा कॉर्निया। एक्चुअली ये जो कॉर्निया होता है देखिए एरो से मैंने उसको इंडिकेट किया, आई हैव सेपरेटली शोन टू यू यस विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन, अभी स्क्रीन के द्वारा इसको मैंने यहाँ पे सेपरेटली तुम्हें बताने का प्रयास किया है। एक्चुअली देखिए बेटा ये जो कॉर्निया होता है इसका फंक्शन क्या होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम इसकी कार्य,
तो इसके फंक्शन में देखिए बेटा, तो लाइट एंटर्स इन टू द आइज। देखिए कोई भी लाइट्स होते हैं ऑब्जेक्ट की ओर से आने वाले जो इंसिडेंट लाइट होते हैं, तो अपनी आँख में वो क्या करते हैं बेटा, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि आँख अपनी क्या करती है बेटा, दैट इज अ गुड रिस्पॉन्स टू लाइट सेंस, है ना बेटा। जैसे कि लाइट एंटर्स होती है ना बेटा, तो यहाँ पे लाइट एंटर्स थ्रू द आई, तो इस मेम्ब्रेन से वो पास होती है, थ्रू होती है, समझ में आता है। तो इसके लिए काम करता है एक्चुअली, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है। तो जैसे लाइट लेंस में पास होती है तो रिफ्रैक्ट होती है, उसी तरह से आई भी एक क्या है, एक लेंस ही है ना। तो यहाँ पे उस मेम्ब्रेन के ऊपर जब लाइट आती है तो वहां पे क्या होगी वो, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। मेम्ब्रेन कैसा है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये सरफेस एक इंटरफेस की तरह यहाँ पे काम करता है। एक्चुअली उसी सरफेस के ओर से यहाँ पे लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, जैसे कि उसको मैक्सिमम रिफ्रैक्ट होने के लिए ये मेम्ब्रेन क्या करता है यहाँ पे, काम करता है, ठीक है। एंड दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन, वी आर कॉल्ड एज अ कॉर्निया, ठीक है, ये कॉर्निया हम इसको बोलते हैं। तो देखिए इसके बाद हम दूसरी टर्म्स यहाँ पे देखेंगे, यस देर इज अ डार्क फ्लेशी। अभी यहाँ पे आंखों में देखिए बेटा, आंख के जो आईबॉल की जो हमने डायग्राम देखी अपने बुक में, देखिए थोड़ा सा वहाँ पे एक डार्क फ्लेशी ऐसा स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक डार्क ऐसा फ्लेशी जैसे मसल्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। अभी ये जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज व्हेन आयरिस, इसे क्या बोला जाता है, आयरिस बोला जाता है ना बेटा। हम आईने के सामने खड़े होकर थोड़ा सा अपनी आंखों को केयरफुली देखिए, तो ऐसे हमें पूरे ये जो बताए गए ये जो टर्म्स है यहाँ पे हमें वहाँ ज्ञात होंगे, ठीक है। तो देखिए आईबॉल यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया है, और उसके बीच में देखिए बेटा एक डार्क मस्कुलर पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो वही जो है वो कौन है बेटा, यहाँ पे आयरिस है। अभी मैं उसको एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, ए एरो, दैट इज आयरिस ईयर, ठीक है। तो ऐसे मसल्स यहाँ पे बाउंड होते हुए ऐसे एक जैसे यहाँ पे कनेक्ट होते हुए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे पूरा होके सब फ्लेशी दिखाई देता है, फ्लेशी यानी कि जैसे मसल जैसा दिखाई देता है, ठीक है बेटा। तो वही यहाँ पे क्या होता है, आयरिस होता है। अभी ये जो आयरिस हमें दिखाई देते हैं, तो कलर ऑफ द आयरिस इज अ डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, अलग अलग पीपल हम जब देखते हैं तो अलग अलग पीपल के जो आयरिस होते हैं उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते, ठीक है बेटा। तो देखिए ये जो आयरिस के कलर यहाँ पे अभी बताने का प्रयास किया, जैसे कि ये देखिए आयरिस का कलर यहाँ पे हमें थोड़ा सा येलोइश दिखाई देता है ना। अभी देखिए बेटा दूसरा वाला यहाँ पे कलर है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीनिश कलर दिखाई देता है, थोड़ा सा समवॉट ग्रीन। अभी यहाँ पे देखिए ब्लू समवॉट है, वो ब्लूइश इन कलर, आंखों के कलर यहाँ पे हमें जैसे कि वो आयरिस के कलर यहाँ पे हर एक पीपल में एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि पीपल अलग अलग पीपल में वो अलग अलग कलर यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। देखिए बेटा ए वाला थोड़ा सा रेडिश दिखाई दे रहा है ना। तो ये आयरिस के कलर यहाँ पे देखिए बेटा, हम ऐसे इसको जैसे कि जो मार्बल कलर दिखाई देता है ना, हम उसको गारोड़े बोलते हैं, तो सर वो कलर यहाँ पे दिखाई देता है। तो सच लाइक दैट वी गेट द डिफरेंट कलर्स ऑफ आयरिस इन ए डिफरेंट पीपल, तो डिफरेंट पीपल में ऐसे आयरिस के कलर यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। देखिए बेटा ये वाला एक कलर, एक अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं, तो आयरिस हर एक पीपल में एक जैसे होते हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कुछ यहाँ पे सैंपल जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। सो वी विल गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चल। इन दिस स्लाइड वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टर्म्स रिलेटेड टू द आई, दैट इज अ पिपिल, जस्ट पिपिल, जस्ट हम इसको बाहुली बोलते हैं। तो ये पिपिल क्या होता है, तो देखिए बेटा देर इज अ स्मॉल होल ऑफ अ चेंजिंग द डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आयरिस, यस व्हिच इज कॉल्ड द पिपिल, है ना। देखिए अपनी आंखों में देखिए बेटा जो ब्लैक ऐसा जो स्पॉट दिखाई देता है उसके सेंटर में देखिए वहां पे एक हमें
एक छोटा सा होल, जैसे कि उसकी डायमीटर यहाँ पे क्या होती है, चेंज होते हुए ऐसे चेंजिंग होने की जो क्षमता उसमें होती है, वो वाला पार्ट, या जैसे कि एक स्प्लिट, जैसे स्लिट होती है ना, स्लिट जैसे हिस्सा यहाँ पे दिखाई देता है ना, तो वो जो होता है सेंटर ऑफ आयरिस, आयरिस के सेंटर में बीचों बीच दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिपिल, जैसे कि हम उसको बाहुली बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक आय दिखाई दिया है ना, तो इस आय में देखिए बेटा, हम अभी उसको थोड़ा सा सही ढंग से हमें देखो, तो वहाँ पे एक छोटा सा देखिए बेटा, एक ब्लैक स्पॉट मिलता है, और ब्लैक स्पॉट के बीचों बीच में एक हमें यहाँ पे एक स्लिट मिलती है, तो वही होती है पीपिल। ठीक है, एक्चुअली ये जो पीपिल होती है, तो मैंने उसको एरो से उसको इंडिकेट किया है, एक्चुअली उसका जो डायमीटर होता है बहुत ही कम होता है। देखिए बेटा, वो जो डायमीटर यहाँ पे मैंने डायमीटर बताने के लिए, एक्चुअली दिस इज वन हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यस ओके, सो मैंने यहाँ पे ये दिए दिए है यहाँ पे, एक्चुअली इसका जो डायमीटर है आई की, यस दैट्स पीपिल की, तो यहाँ पे डायमीटर क्या होती है, कम ज्यादा होती है, यस अकोमोडेट होती है। अभी उसका जो जो स्पेस होता है नियर अबाउट 6.4 mm, बहुत ही छोटा है एम एम। ठीक है बेटा, एक्चुअली देखिए इतना सा स्पेस, एक छोटे से इसको ये क्या करती है बेटा, कम या ज्यादा, यस कभी कभी वो कम होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू द यस ऑब्टेनिंग द लाइट, यस रिसीविंग द लाइट फ्रॉम अ सराउंडिंग। ठीक है बेटा, तो इससे हमें ये पीपल क्या करती है, काम करती है, तो इसके फंक्शन क्या होते हैं पीपल के, देखिए तो द पीपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इज एंटरिंग द आई, अपनी आंखों में जो जाने वाली जो लाइट होती है, इस एक्सेप्ट किए जाने वाली जो लाइट होती है, एंट्रेंस होने वाली जो लाइट होती है, इस अमाउंट को वो क्या करता है बेटा, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे देखिए बेटा, हम बाहर से खेल के आते हैं, और घर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है बेटा, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कुछ देर के लिए, क्योंकि जैसे हम बाहर खेलते तो अपनी पीपिल जो होती है उनकी जो डायमीटर होती है बहुत ही क्या होती है बेटा, जैसे कि कम होती है ना, क्योंकि बाहर बहुत लाइट होता है, सनलाइट होता है, और जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो पीपिल की डायमीटर एक्चुअली कम है, फिर हम अंदर आते हैं तो वहाँ पे कम डायमीटर में वो जो घर में जो लाइट होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो वो एक्सेप्ट की नहीं जाती जल्दी, तो इसको थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि अपनी पीपिल फिर वो डायमीटर क्या करनी पड़ती है, उनको बढ़ानी पड़ती है। ठीक है बेटा, अकोमोडेट करना पड़ता है, तो वो करने का काम, जो अमाउंट रिसीव करने का, लाइट अमाउंट जो होता है उसको रिसीव करने का काम एक कौन करता है, एक पीपिल करता है। ठीक है बेटा, मीन्स द पीपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, इसका पहला काम है। अभी देखिए बेटा, इफ द लाइट इज फॉलिंग ऑन द आई इज टू ब्राइट, कभी कभी वो बहुत ही ब्राइट होती है ना, जैसे बाहर हम धूप में कुछ खेल खेलते हैं तो देखिए बेटा बहुत ब्राइट लाइट होती है, तो वहां पे पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे पीपल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द लाइट इज डिम, जैसे लाइट डिम होगी तो पीपल क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड इट्स वाइडन्स, फिर वो वाइडन हो गए, जैसे कि यहाँ पे वाइडन एंड कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट वाइडन, वाइडन बोले तो रुंदावनी है ना, वाइडन बोले तो क्या बेटा रुंदावनी, जैसे हम जैसे डार्क रूम में आते हैं तो देखिए बेटा अपनी आंखें ऐसे थोड़ी सी वाइडन होते हैं है ना, हम ऐसे आंखों को थोड़ा सा बड़ा करते हैं वाइडन, जैसे ओके, क्योंकि वहां पे लाइट को हम अकोमोडेट करने का प्रयास किया जाता है। चलिए अभी ये काम किसका होता है, दैट इज अ पीपिल है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरिस देर इज अ बल्ज ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लेयर, पूरा वहाँ पे जो बल्जिंग, जैसे कि बल्ज यानी कि फुकोटे बोलते हैं उसको, वो पूरे कैसे होते हैं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट लेयर होते हैं। ठीक है, अभी वी हैव गो टू अवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज अ लेंसेस, देर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन पार्ट बिहाइंड द पीपल इज नोन एज अ लेंस, लेंस। चलिए देखिए लेंस, इस अपने आंखों में भी एक लेंस होती है ना, भिंग बोलते हैं, नेत्र भिंग। चलिए लेंस अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है, तो डायग्राम को रिप्रेजेंट करते समय देखिए बेटा, वहां पे एक डबल कॉनकेव हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि वो थोड़ा सा
क्या बेटा ब्लू कलर में दिखाई देता है, बल्जी है, बल्जस है ना बेटा, बल्जिंग एरिया एज लाइक ऑन क्रिस्टलाइन पार्ट। वो क्रिस्टलाइन पार्ट है किसके पीछे, वो बेटा जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे मिलता है। अरे इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लेंस बोलते हैं, वो से एज अ लेंस हियर, ठीक है ये लेंस होता है। तो देखिए इसको मैंने एरो से यहाँ पे इंडिकेट किया है, जैसे देखिए बेटा ब्लू वाला हिस्सा लेंस है ना, दैट इज अ बायकॉन्केव जैसा हो रहा है यहाँ पे, बायकॉन्केव है ना। चलिए तो इसके फंक्शन, लेंस के फंक्शन क्या होते हैं, तो देखिए बेटा लेंस का पहला फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, द लेंसेस प्रोवाइड द स्मॉल एडजस्टमेंट। लेंसेस से क्या करते हैं, एडजस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं ऑफ द फोकल लेंथ टू द फोकस ऑफ द इमेज है ना, इमेज को फोकस करने में ये जो फोकल लेंथ होती है इसको एडजस्ट करने का जो काम होता है एक किसके द्वारा किया जाता है बेटा, लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है बेटा। सेकेंड, दिस लेंस क्रिएट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये लेंस जो होती है जैसे कि वो इमेज को क्या करती है, क्रिएट करती है, जैसे कि कभी रियल इमेज होता है कभी इन्वर्टेड इमेज होता है। जैसे ओके अभी वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपने आई में जो रेटिना होता है वो स्क्रीन बोल के यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अभी उस रेटिना के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर इस आई जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वो क्या करती है बेटा, इमेज को फॉर्म करने का काम करती है, जैसे कि वो इरेक्ट होता है या जैसे कि उसको हम रियल बोलेंगे या इन्वर्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमें वो ऑब्जेक्ट के द्वारा मिलने वाली जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, वो बनाने का उसको जो उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको एडजस्ट करने का काम ये लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस स्लाइड में ये देखने के लिए, इन दिस स्लाइड वी हैव लर्न्स अबाउट द रेटिना, लर्न्स अबाउट द रेटिना। एक्चुअली रेटिना इज इट्स एक्ट एज अ वन स्क्रीन ऑफ द आईबॉल, ये आईबॉल की एक स्क्रीन जैसा यहाँ पे काम करता है, एक स्क्रीन यानी कि पर्दा है ना बेटा। तो देखिए द स्क्रीन इज अ मेड अप ऑफ अ लाइट सेंसिटिव सेल इज कॉल्ड एज अ रेटिना। ए बहुत सेंसिटिव सेल होती है, दैट इज अ यस इट्स अ सेंस ऑर्गन, इसीलिए हम इसको आई को क्या बोलते हैं बेटा, इट्स वन ऑफ अ सेंस ऑर्गन एंड इट इज अ सेंस फॉर विजन, सेंस फॉर विजन है ना। तो देखिए रेटिना एक्चुअली क्या है, एक सेंसिटिव सेल से बना वाला, जो सेंसिटिव सेल लाइट को क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है ना। अभी उसी को रिस्पॉन्स करते हुए स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज फॉर्म होती है और वो जो हिस्सा होता है वही रेटिना होता है, ठीक है बेटा। चलिए अभी ये जो रेटिना होता है, तो रेटिना एक कैसे यहाँ पे काम करता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आईबॉल बताया है। आईबॉल के बाद जैसे जो जो पोस्टीरियर था है ना बेटा, पोस्टीरियर हिस्सा, देखिए ध्यान दीजिए अभी पोस्टीरियर में जो रेटिना का जो स्ट्रक्चर है, रेटिना जो है वो यहाँ पे नर्व्स को कनेक्ट होती है। कहाँ पे कनेक्ट होती है बेटा, नर्व्स को। अभी नर्व्स क्या करती है बेटा, वो सेंस को क्या करती है, कैरी ऑन करती है, इम्पल्स उसके क्या कर लिए, लेती है, रिसीव करती है, रिसेप्ट करती है, फिर वो उसको सेंस, जैसे कि वो जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस होते हैं, वो ब्रेन की तरफ क्या करते हैं बेटा, उसको ट्रांसफर किया जाता है नर्व्स के द्वारा, ठीक है। तो देखिए तो वो जो रेटिना है, तो मैंने यहाँ पे आईबॉल में वो एरो को लेकर उसको बताया यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। एक्चुअली देखिए नेक्स्ट इसके जो फंक्शन कैसे होते हैं, तो रेटिना के फंक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। तो दिस सेल्स गेट एक्साइटेड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन देम एंड जनरेट द इलेक्ट्रिक सिग्नल। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और जैसे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो गए तो वो क्या होते हैं बेटा, वो जो रिसेप्टर सेल्स के द्वारा चेता जो होती है ना उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एंड दिस सिग्नल, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिले वो जो सिग्नल उसकी उसी सिग्नल को बस कन्वे टू द ब्रेन, ब्रेन को कन्वे किया जाता है, कन्वे करने यानी कि उसको हमें उनको बता देना, वो बता देते हैं, कन्वे करते हैं, कन्वे टू द ब्रेन बस थ्रू द ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे कौन सी नर्व काम करती है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखिए बेटा इसके बाद क्या होता है, जैसे ऑप्टिक नर्व को ये कन्वे होता है ना, जैसे कि ऑप्टिक नर्व के द्वारा, थ्रू ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को कन्वे होता है, तो क्या होता है, यस लेटर ऑन द ब्रेन एनालिसिस, ब्रेन उसको एनालिसिस करता है एंड दीज सिग्नल्स आर द कन्वर्ट देम इनटू द
such a way that we perceive the object as they actually are. वहाँ पे actually object है क्या? इसको यहाँ पे वो महसूस करता है. समझ में आता है? तो object का हम यहाँ पे पता चलता है. उसका यहाँ पे क्या होता है बेटा? वो सुस्पष्ट रूप से उस चीज का या उस वस्तु का या object का हम यहाँ पे ज्ञान होता है. इसे वो हमें पता चलता है. जस्ट ओके. तो देखिए उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने दो आईबॉल रिप्रेजेंट किए वाले. अभी जो ऊपर वाला आईबॉल है इसको मैं ए रिप्रेजेंट करता हूँ, इससे ए से रिप्रेजेंट करूंगा. और नीचे वाला जो आईबॉल है यहाँ पे उसे मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ. देखिए बेटा इस आईबॉल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए. तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए. ए आईबॉल के तरफ भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, बी आईबॉल के तरफ भी एक यहाँ पे उसके सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया है. तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए दोनों ऑब्जेक्ट में, देखिए पहले कंडीशन में, एक कंडीशन में क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कैसा बेटा यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट यानी कि दूरी पे है. और बी कंडीशन में कैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेटा, दैट इज वन हाउ नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज रेटिना पे बनती है तो वो कैसी बनती है? तो दैट टाइम द लेंस, देखिए बेटा साइज ऑफ द लेंस यहाँ पे कैसी होती है, जो लेंस की साइज होती है. तो यहाँ पे पूरी तरह से हम जब देखते हैं तो यहाँ पे जो लेंस होता है तो लेंस पूरी तरह से क्या होता है बेटा, दैट्स अ वर्टिकली, वर्टिकली ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे स्ट्रेच हो रहा है, वर्टिकली स्ट्रेच. स्ट्रेच बोले तो तांडल्या जाने, है ना, जैसे कि वर्टिकली स्ट्रेच होता है ना. जैसे कि हम कोई भी चीज जैसे दूरी से देखते हैं तो अपनी आई बॉल में जो जो लेंस होती है ऐसी वर्टिकली वर्टिकली स्ट्रेच होती है. देखिए क्योंकि दूरी पे हम जैसे देखते हैं तो दूरी के ऊपर से कोई भी चीज जब देखी जाती है अपने आंखों के द्वारा तो लेंस होती है, आई की आई लेंस होती है वो पूरी तरह से वर्टिकली स्ट्रेच होती है. और जैसे हम नजदीक देखते हैं, जैसे हम अभी अपनी बुक की तरफ, हम जैसे लेटर पढ़ने का प्रयास कीजिए, कोई हमें अभी रीड करना है, एक लाइन रीड करना है, तो देखिए हम नजदीक देखते हैं. जैसे नजदीक देखते हैं तो देखिए बेटा आईबॉल क्या होती है यहाँ पे, बल्ज होती है. जैसे ओके बल्ज इस हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली स्ट्रेच होगी. हॉरिजेंटली वो क्या होगी, स्ट्रेच, हॉरिजेंटली स्ट्रेच होगी, है ना, ऐसी बल्जिंग होती हुई दिखाई देती है. और जैसे दूरी पे होते हुए वहां पे क्या हो रही है बेटा, वर्टिकली स्ट्रेच होती है ना. तो ऐसे यहाँ पे वो लेंस में साइज चेंज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है. तो देखिए बेटा, तो पहली कंडीशन जो है इसमें क्या बताया, तो सीइंग द ऑब्जेक्ट, जैसे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं लार्ज डिस्टेंस के या दूरी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वो जो लेंस होती है यस इट्स बिकम अ फोकल लेंथ इंक्रीज, उसकी जो फोकल लेंथ वहाँ पे इंक्रीज होगी. देखिए आईबॉल की फोकल लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है, फोकल लेंथ इंक्रीज, लंबी लंबाई पे फोकल लेंथ मिल रही है हमें. ठीक है, अभी देखिए बी कंडीशन में हम जब देखते हैं, जैसे कि हम जो नजदीक को ऑब्जेक्ट देखते हैं, नियरर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, लुक करते हैं, देखते हैं, तो इट्स बिकम अ राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे डिक्रीज होती है. जैसे कि फोकल लेंथ देखिए थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती है, डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है. तो देखिए बेटा जैसे लंबाई के ऊपर हम नजर डालते हैं तो देखिए बेटा ऑटोमेटिकली आईबॉल्स देखो वर्टिकली स्ट्रेच, और जैसे हम नजदीक जब देखेंगे, है ना, बुक में जब देखेंगे तो यहाँ पे आईबॉल क्या होती है बेटा, दैट्स अ यस इट्स अ बिकम अ कैसी बोलते हैं दैट इज, तो यहाँ पे क्या होती है बल्ज होती है हॉरिजॉन्टल, है ना, एंड इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, फोकल लेंथ भी कम होगी, और दूरी पे फोकल लेंथ क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है. ठीक है, तो देखिए इसी को लेकर हमें यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, तो देखिए ये जो दोनों मेथड्स है तो यहाँ पे वी सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली यस इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस डिस्टेंस. तो दोनों में ही ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे सही या सुस्पष्ट दिखाई देता है. ठीक है बेटा, तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पे हम अगली टर्म्स यहाँ पे देखेंगे. देखिए ये टर्म्स हमने जो लर्न किए है इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एग्जाम में डिफाइन के लिए ये टर्म्स पूछे जाते हैं, है ना, आईबॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए बेटा हम अभी नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं. तो यहाँ पे देखिए द कैपेसिटी ऑफ द लेंस चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड एज अ पावर ऑफ द
अकोमोडेशन है ना, जैसे मुझे जितनी लाइट की जरूरत हो उतनी लाइट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मुझे लगती है ना, तो वो जो कैपेसिटी होती है लेंस की, ठीक है, तो इट्स अ फोकल लेंथ एज पर नीड है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, दैट इज अ पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसको हम समायोजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। अभी जो अल्दो द इलास्टिक लेंस दिस कैन बी द चेंजेस इट्स अ फोकल लेंथ टू इंक्रीज और डिक्रीज इट कैन नॉट डू सो बियॉन्ड अ लिमिट, है ना बेटा, जो ये जो लिमिट होता है इसका, जैसे कि जैसे आईबॉल जो होते हैं, जैसे अकुंचन या प्रसरण, जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको जो चेंज होता है, तो फोकल लेंथ जो चेंज होने की जो क्षमता होती है, जैसे कि बढ़ने की क्षमता हो या डिक्रीज होने की क्षमता हो, ये एक लिमिट में होती है। जैसे लिमिट के, जैसे जैसे ज़्यादा लिमिट के भी वो काम नहीं कर सकती है, कम भी काम नहीं कर सकती, वो एक विशिष्ट मर्यादा में वो क्या करती है बेटा, वर्क करती है। तो इसका एक लिमिट होता है, एक क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब इस लिमिट में जैसे कुछ चेंज हो गए तो हमें यहाँ पे डिफेक्ट बनते हैं, आई डिफेक्ट बनते हैं, ठीक है। अब इसी को लेकर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए बेटा, आज जो हमने इस क्लास में जो लर्न किया है, ये बहुत ही आईएमपी है, इसके टर्म्स, इसके डेफिनेशन है ना, आईबॉल के जो हमने अलग अलग टर्म्स यहाँ पे अलग अलग उसको डिटेक्ट करके, हमें एनालाइज करके यहाँ पे हमने उसको सेपरेटली क्या क्या बेटा डिटेक्ट किया है, तो हर एक टर्म्स यहाँ पे याद रखिए, उसके डेफिनेशन को याद रखना है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, एग्जाम में डिफाइन क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा जाता है। और आईबॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना है, कागज एंड पेंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखिए यहाँ पे हम रुकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछना है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थैंक यू, वी विल सी टुमारो।